हमें नुमान लंगड़ियाल साहब ने ज्वाइन किया। नुमान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम उसामा भाई, खैरियत है जी? अल्लाह का शुक्र है। लंगड़ियाल साहब, एक तो आपको इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का तर्जमान मुकर्रर उन पर मुबारकबाद, लेकिन सर एक चीज हमें क्लियर कर दें कि आप काबीना में हैं, शहबाज शरीफ साहब को असिस्ट कर रहे हैं बतौर मुशीर या मामले खसूसी? जी उसामा भाई, अभी तक मेरे पास ही ओहदा है। अच्छा, तो मैं अपनी लीडरशिप का पाबंद हूँ, जिस वक्त वो फरमाएंगे जी जी इंशाल्लाह मैं ओहदा छोड़ दूंगा जी। अच्छा, लेकिन अभी आप मामले खसूसी हैं? जी जी। अच्छा सर, ये फिर इस वजह से कंफ्यूजन ही होती है कि आप काबीना का हिस्सा हैं, तो फिर ये अलग पार्टी कैसे हुई? चूंकि अगर हम देखें, फिरदौस आशिक खान साहब भी कह रही हैं, वो भी तर्जमान है कि जी हम तो एक अलग से बुरी जमात हैं, लेकिन इस जमात के लोग आपकी तरह, ओन चौधरी साहब की तरह, वो तो काबीना में हैं। देखें उसामा भाई, अभी हमें 3-4 दिन हुए हैं, और उस वक्त जिस तरह आपके सामने था कि हमने नून लीग की सपोर्ट की थी जब ये रजीम चेंज थी, और उसके बाद हमने ज़िमनी इलेक्शन लड़ा था, तो उसमें हम नून लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़ा था। तो अब जहांगीर खान तरीन साहब, जिनकी वजह से हमने नून लीग में इलेक्शन लड़ा था, वो उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है, तो जारी बात है जो उनका ग्रुप था वो अब इस पार्टी में इमर्ज हो गया है। तो इसलिए हम अपने कायद जहांगीर खान तरीन साहब के पाबंद हैं। ठीक, नुमान साहिबा की अगर हम बात सुने तो वो ये कह रही हैं कि अगस्त के अंदर जो है वो हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, तो इस तरह तो इलेक्शन फिर सर पर खड़े हुए हैं और एक पार्टी अभी अनाउंस हुई है, तो आपको लगता है कि इतने कम टाइम में अगर आप अब तक डिसाइड नहीं कर पाए कि नून लीग के साथ हमारा क्या रिलेशन मेंटेन होगा फ्यूचर में, तो इसका तो नुकसान होगा आपको फिर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में? गुजारिश के एमरजेंसी में जहांगीर खान तरीन साहब को अब्रॉड जाना पड़ गया अपने जनरल चेकअप के लिए, तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा डिले हुआ है, लेकिन आज हमारे प्रेसिडेंट जो अब्दुल हकीम खान साहब हैं, उन्होंने ये बात उठाई है और वो उन्होंने ये भी है कि 2 दिन के हम ये डिसाइड कर लेंगे, ये ओहदे रखने हैं कि नहीं रखने हैं, ये अब फैसला मैं समझता हूँ लीडरशिप पे आ गया है। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज, 62% आवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। गुजरात में यूं कह रहा हूं कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सिर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो, क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर, बोल है सबसे आगे सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।